सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ में दबाए इस घंटे को हमारा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बिहार के मोकामा रेलवे स्टेशन के बारे में आपके साथ जानकारी शेयर करेंगे। उम्मीद करता हूं आपको ये मेरा जानकारी जरूर पसंद आएगा। वीडियो शुरू करने से पहले करूंगा आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया नीचे दिए हुए लाल कलर के बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप मोकामा शहर के वासी हैं तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मोकामा रेलवे स्टेशन बिहार का एक ऐसा रेलवे स्टेशन है जो बिहार की राजधानी पटना जिला के मोकामा शहर में मौजूद है। यह रेलवे स्टेशन पटना से महज 90 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। मोकामा रेलवे स्टेशन हावड़ा पटना मुगलसराय मेन लाइन पर स्थित होने की वजह से यह रेलवे स्टेशन काफ़ी व्यस्त है। मोकामा स्टेशन रेलवे नेटवर्क के माध्यम से भारत के ज़्यादातर शहरों के साथ जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, जयपुर, लखनऊ जैसे कई बड़े शहरों के साथ अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। इस रेलवे स्टेशन का कोड MKA है। मोकामा रेलवे स्टेशन ए ग्रेड रेलवे स्टेशन के अंतर्गत आता है। इस रूट से चलने वाली ज़्यादातर रेलगाड़ियों का इस स्टेशन पर स्टॉपेज दिया गया है। मोकामा रेलवे स्टेशन बिहार का एक ऐसा रेलवे स्टेशन है जो 100 वर्षों के अधिक समय से यात्रियों के लिए सर्विस प्रदान कर रही है और यह रेलवे स्टेशन दानापुर डिवीज़न का बहुत ही महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन है जो हावड़ा दिल्ली मेन लाइन पर स्थित है। इस हावड़ा से दिल्ली रेल लाइन को साल 1866 में खोला गया था जिसकी दूरी तकरीबन 1532 किलोमीटर है। मोकामा से बरौनी रेल लाइन को साल 1959 में खोला गया था जिसकी दूरी तकरीबन 21 किलोमीटर है। इस 21 किलोमीटर की दूरी पर कुल मिलाकर 9 रेलवे स्टेशन शामिल है। मोकामा से हरनौत रेल लाइन को साल 2016 में खोला गया था। इलेक्ट्रीफाई की बात करें तो आसनसोल से पटना रेल लाइन को साल 1994 से साल 2001 के दौरान इलेक्ट्रीफाई किया गया था और पटना से मुगलसराय रेल लाइन को साल 1999 से साल 2002 के दौरान इलेक्ट्रीफाई किया गया था। मोकामा रेलवे स्टेशन भारतीय रेलवे के ईस्ट सेंट्रल रेलवे जोन के दानापुर रेलवे डिवीज़न के अंतर्गत आता है। साल 1925 में मोकामा रेलवे स्टेशन को दानापुर रेलवे डिवीज़न का हिस्सा बनाया गया था। इस रेलवे स्टेशन की ऊंचाई समुद्र तल से 48 मीटर तकरीबन 157 फुट के करीब है। मोकामा रेलवे स्टेशन में टोटल 4 प्लेटफॉर्म और 8 पटरियां शामिल है। इस स्टेशन से रोजाना तकरीबन 50,000 से ज़्यादा यात्री सफ़र करते हैं और लगभग 130 रेलगाड़ियों से ज़्यादा इस स्टेशन के माध्यम से शुरू होती है, समाप्त होती है और गुजरती है। मोकामा रेलवे स्टेशन में यात्रियों के लिए हर तरह की सुविधाएं उपलब्ध है जैसे कि गाड़ी खड़ी करने के लिए पार्किंग, यात्रियों के लिए वेटिंग रूम, रिजर्वेशन काउंटर, शाकाहारी और मांसाहारी भोजन, टी स्टॉल और पुस्तक की स्टॉल जैसी सुविधाएं इस स्टेशन पर उपलब्ध है। मोकामा रेलवे स्टेशन हावड़ा दिल्ली मेन लाइन पर, आसनसोल पटना सेक्शन पर, मोकामा बरौनी सेक्शन पर और मोकामा हरनौत सेक्शन पर स्थित है। दोस्तों, मोकामा रेलवे स्टेशन के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना ना भूलें। वीडियो पूरा देखने के लिए दिल से धन्यवाद।